साहब ऐसा है, एक गरीब के पास में पैसा आया तो ये सब सारे परेशानियां सारे मुसीबत आती। क्या है, मैं पहले एक मिडिल क्लास फैमिली से आकर हूँ, इसके वास्ते मेरे 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 ऊपर इनकम टैक्स के 3 रेड हो गई। एक CCP का रेड हुआ है, एक ED का रेड हुआ है, 5 रेडा हो कहीं, 5 रेडा हो कहीं 2005 से 2021 तक हमारा पूरा रिटर्न्स देखो ही, उसका असेसमेंट भी होको है। तो ED कैसा आती है, हमारा कोसा बिजनेस ऐसा इलीगल बिजनेस कोसा है। मेरे पूरा सुनो, मेरा बिजनेस क्या ये तो मालूम होना ना तुम ना। मेरा बिजनेस है हाई कोर्ट से जो एक्शन में प्रॉपर्टीज आती पब्लिक एक्शन में, वो प्रॉपर्टी मैं लेता हूँ। दूसरा गवर्नमेंट से पब्लिक एक्शन में, DC ऑफिस से पब्लिक एक्शन में प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट करती है, वो प्रॉपर्टी लेता हूँ। वो प्रॉपर्टी लेता हूँ, एक सीधा साधा आदमी को क्रिमिनल बना डाले, वहाँ पोजीशन नहीं दिए, रखो बोला को झगड़ा जरा जोर से बात करे तो उन्होंने एक केस रजिस्टर कर डाले। यहाँ अब ED वाले इनकम टैक्स वाले आती, इनकम टैक्स वाले का उनका सारे रिटर्न्स देखो, उनका असेसमेंट कर को, पैसा भर को, शॉर्टेज पैसे को इंस्टॉलमेंट ले को, इंस्टॉलमेंट भर ले को, हमें यहाँ तक कहीं एक पैसे का खर्च नहीं है। हमने सारा पैसा कैसा आया, सोर्स ऑफ इनकम 2005 से लेकर 2021 तक बराबर रिटर्न फाइल कर को है। हमारा लेना भी ऑफिशियल, देना भी ऑफिशियल। हाँ, दूसरा लोकल बिजनेस मेरा कोसा भी नहीं, लोकल काम मेरा नहीं है। ये जो घर है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी अपोजिट का एक घर है, ये 2 प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी, 50/3 प्रॉपर्टी में, ये 2 प्रॉपर्टी प्राइवेट, बाकी सब हाईकोर्ट से ले कोई सो गवर्नमेंट से ले कोई सो प्रॉपर्टी। और आज जो रेड हुआ ये किसके वास्ते हुआ, मैं शॉक हूँ। ED मनी लैंड्रिंग का केस है, मेरा ऐसा कोसा भी हवाले का पैसा आना जाना, 2 नंबर का पैसा लेना देना, लोकल में बेचना, लोकल से लेना, मेरा कुछ भी मेरा मेरे मतलब का नहीं है। मंजे आने के बाद में कल शॉक होगा, शॉक है, सुबह में 7:15 से रेड स्टार्ट हुआ। आपको मंजे वारंट दिए, वारंट देखो हमें सर्च करना है, बोले गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मैं तुम्हारे साथ मेरा पूरी फैमिली तुम्हारे साथ कोऑपरेट करती है, जो करना तुम्हें करो, और को हमें वहाँ हॉल में बैठ को, मेरे साथ में 2 पुलिस वाले, 2 एस्कॉर्ट और 1-2 ऑफिसर्स मेरे बाजू बैठे, सारे रूमा अंदर घुसको सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर, सारा कैश, सारी ज्वेलरी, मेरे हाथ के वॉचेस सब ले लेकर को मटेरियल रखो। उन्होंने लोग पंचनामा स्टार्ट कर, सुबह 7:30 से लेकर रात के 12:10 तक सर्च चलिया। मेरी सारी ऑफिस, मेरा समधी का घर मैसूर में, मेरे समधी का घर और मेरा कोलार में एक घर है, कोलार का घर, ये सब जगह पर उन्होंने सर्च करे, सर्च कर को उनके पास में मेरी ज्वेलरी, हमारे घर में ज्वेलरी मिली, ज्वेलरी 3.5 किलो ज्वेलरी मिली, 3.5 किलो ज्वेलरी मिली, उसे वैल्यूएशन नो 1.75 लाख रुपए वैल्यूएशन कर कोई। वो चीज़ के वास्ते भी उन लोग मैं बिल देखो हूँ, अटिका गोल्ड से मैं ओल्ड ज्वेलरी लेको हूँ, वो बिल देखो हूँ उनको, मैं 2.9 करोड़ को लेको हूँ, उनकी वैल्यूएशन 175 आई, हमें आपको 199 को उनके पास से लेको ही, उसे बिल सबमिट कर को हूँ। सबमिट करने की वजह से उनको सेटिस्फाई नहीं हुआ, उनको इतना नहीं हुआ, इसके वास्ते हमें ये सीज कर को ले जाती, ले को जाने के बाद हमें तुम्हें उससे दिल्ली को आए तो दिल्ली में हमें उसे क्या करना छानबीन कर को देती, हमें रिलीज करती है, उनको बोली। बाद में कैश 8.5 लाख रुपए
कैश मिले मेरे घर से, कैश का वो भी बैंक से ड्रा किया हुआ पैसा। मेरे घर में कोसा भी दो नंबर का पैसा नहीं है, कोसा भी कैश पैसा नहीं है, 8.5 लाख रुपए वो भी हमें बैंक से ड्रा कर कोई सो पैसे वो उनको कैश मिले, वो कैश नो हमारा हैंड ओवर करे, ज्वेलरी उन्हों सीज कर को ले लेको गए।